ट्रैक्टर चालकों को रास्ते में रोककर मारपीट, तीन घायल किए रेफर। बयाना के गांव भिडावली निवासी चार जनों को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई, जिन्हें अन्य लोगों की मदद से उपचार के लिए बयाना लाकर राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार कर तीन जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव भिरावली निवासी दलवीर सिंह पुत्र रामखिलड़ी गुर्जर व उसके भाई मुकेश एवं धारा तथा परिजन समुन्दर सिंह गुर्जर को गंभीर चोटें लगने पर बयाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से तीन जनों को प्राथमिक उपचार के बाद गहन उपचार के लिए जिला अस्पताल भरतपुर रेफर किया है। घायल दलवीर ने बताया कि बयाना के गाँव कैर में वन विभाग का एक बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए वह व उसके भाई बजरी सप्लाई करते हैं। आज जब वह वहां बजरी सप्लाई कर ट्रैक्टर से वापस लौट रहे थे तो पास के दूसरे गांव के नामजद आरोपियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट करते हुए गंभीर चोटें पहुंचाई। इसके बाद उनके घर पहुंचकर भी हथियारों का भय दिखाकर परिजनों से मारपीट की। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की ओर से पुलिस में कोई मामला दर्ज नहीं कराया जा सका है। वही बताया गया है कि यह विवाद अवैध बजरी खनन व अवैध बजरी के कारोबार को लेकर हुआ बताया है। एक घायल का बयाना के अस्पताल में ही उपचार किया जा रहा है। एक ही पक्ष के या दूसरे पक्ष के? एक ही पक्ष के। मेरा भाई ट्रैक्टर चला रहा हूँ, कैर से बजरी खड़ा जा रहे हैं हम, 1 लाख रुपया सेवा पे। तो वे दोनों उस घर केस और लोकेश दोनों रास्ता मिले, उन्होंने रोक लिया ट्रैक्टर। पहले तो देवाले ही करिए, फिर 1 लाख रुपया फंसा लिया और हथियार दिखा दिया, कट्टा दिखाओ, बाकी बातें रुपये फंसा लिया। कितने वे और तो काफ़ी है, बाद में पहले दो थे और एक कुमार सिंह था साथ में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? रास्ता में मिले थे वैसे ही, दारू पी रखी थी। क्या हुआ उसके बाद में? फिर मैंने घर वालों को फोन किया तो वे उधर से भी आ गए और वे हथियार दिखाए, तो फिर घर वालों में। कितने लोग घायल हो? 4-5 लोग घायल।